बूझो तो जाने, राधा पब्लिक स्कूल खतोरा ये शादी विवाह घर। जिला शिक्षा अधिकारी ने दी मैरिज गार्डन में स्कूल को मान्यता, जिम्मेदार मौन। खतोरा में डीईओ की मनमानी, आखिर कैसे मिली राधा पब्लिक स्कूल खतोरा को मान्यता। शिकायत के बावजूद प्रदान की गई राधा पब्लिक स्कूल खतोरा को मान्यता। आखिर शिवपुरी डीईओ की शिक्षा माफिया को खुली छूट। आखिर कितने बंडलों के नीचे दबकर दी गई राधा पब्लिक स्कूल खतोरा को मान्यता। आखिर राधा पब्लिक स्कूल खतोरा को मान्यता 9 एवं 11वीं में ही प्रवेश होगा, फिर भी 10वीं और 12वीं में प्रवेश कैसे। इसी वर्ष मिली है नवीन मान्यता राधा पब्लिक स्कूल खतोरा को। आखिर किस शासकीय दल ने किया स्कूल का निरीक्षण और दे दी बिना गाइडलाइन के मान्यता। आखिर कहाँ है मैथ और साइंस की लैब लाइब्रेरी, स्कूल का ऑफिस और मिनिमम स्कूल क्राइटेरिया। शिवपुरी जिले में डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी की सरपरस्ती में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी इन दिनों जिले में सर चढ़कर बोल रही है। जहां एक और शिवपुरी जिले के खतोरा में एक स्कूल की मान्यता पर दो अलग अलग स्थानों पर स्कूल संचालित करने का मामला उजागर होने और शिकायत के बाद डीईओ द्वारा जांच के नाम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करने से स्कूल संचालक के हौसले बुलंद बने हुए हैं। वहीं दूसरा मामला भी खतोरा से सामने आया है, जहां पैसे कमाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल संचालक ने स्कूल की बिल्डिंग को ही विवाह घर बना दिया है, जहाँ बाकायदा बुकिंग होकर शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कब होती होगी। दरअसल ये पूरा मामला कोलारस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खतोरा कस्बे का है, जहाँ राधा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल खतोरा के संचालक ने पैसे कमाने के लिए स्कूल की बिल्डिंग को विवाह घर बनाकर जिले में शिक्षा विभाग के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। खास बात यह है कि स्कूल संचालक को इस वर्ष की कक्षा 9 से 11 तक का स्कूल संचालित करने की नवीन मान्यता प्राप्त हुई है। इसके बावजूद भी स्कूल संचालक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बच्चों और उनके पालकों को अंधेरे में रखकर कक्षा 12वीं में एडमिशन किए जा रहे हैं, जबकि स्कूल को मान्यता केवल 11वीं कक्षा तक मिली हुई है। सूत्रों की माने तो खतोरा के ही कुछ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मिलकर श्री राधा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से केवल नाम का फर्जी स्कूल खोला है, जिसमें ना तो बच्चों के लिए खेल का मैदान है और ना ही व्यवस्थित फर्नीचर और कक्षाएं हैं। डीईओ निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर इस स्कूल को मान्यता दी गई है। ऐसे स्कूल में एडमिशन लेकर क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।